पेट्रोल डीजल से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोगों को महंगाई से राहत तभी मिलेगी जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। लेकिन कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई है। हालांकि महीने भर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है, जिसके बाद अब लोगों को इंतजार है कि तेल के दाम कब सस्ता होगा। वैसे जानकारी के मुताबिक बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती है। हालांकि अभी लंबे समय से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित हैं। बाकी जानकारी की बात करें तो वो हम आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल CG36 News पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल CG36 News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सरकारी तेल कंपनियां तेल के दाम जारी करती हैं, वहीं एक बार फिर से दाम में किसी तरह के बदलाव नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में भी दाम जस की तस है और इधर महानगरों में भी तेल की कीमत स्थिर है। ऐसे राजधानी रायपुर में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.45 रुपए है, जबकि डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। प्रति लीटर 95.44 रुपए बिक रहा है। दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में भी दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। हालांकि क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आने से दाम कम होने के आसार बढ़ गए हैं। ये रही दोस्तों एक नई जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।